अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओप्पो ने ऑफिशियली ओप्पो F21 Pro स्मार्ट को पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च कर दिया है और यहाँ पर इस मार्केट जो प्राइस रखी है वो है 53,000 रुपये। अब 53,000 रुपये में काफ़ी कंपटीशन है। यहाँ पर ओप्पो F21 Pro, वीवो V23e और रेडमी नोट 11 Pro, ये तीनों स्मार्टफोन सेम प्राइस के साथ 53,000 में देखने को मिल जाते हैं। आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं ओप्पो F21 Pro और वीवो V23e स्मार्टफोन को। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ जाज और आप देख रहे हैं tech.pk। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ओप्पो F21 Pro स्मार्ट की जो प्राइस है वो 53,000 है और वीवो V23e स्मार्ट की प्राइस भी 53,000। दोनों स्मार्ट में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाती है, मे बी 50,000, 49,000 या इवन कि 48,000 तक भी आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन से। डिज़ाइन की बात करूँ तो नो डाउट ओप्पो F21 Pro डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जो कलर कम्बिनेशन है और बाकी जो कैमरा मॉड्यूल है, जो बॉक्स डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वीवो V23 इस मॉडल का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, बट बिलीव मी F21 Pro के सामने V23 इस मॉडल का डिज़ाइन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीवो ने हाल ही में यही येलो कलर का डिज़ाइन रिवील किया है जो कि बिल्कुल ओप्पो F21 Pro स्मार्ट का मुकाबला करता है। तो यहाँ पर मुझे डिज़ाइन के मामले में थोड़ा बहुत यहाँ पर F21 Pro मुझे अच्छा लग रहा है कंपेरेटिवली वीवो V23 स्मार्टफोन के मुकाबले में। डिस्प्ले की बात किया तो वीवो V23 स्मार्ट में देखने को मिलता है 6.44 इंच का एक फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला एक एमोलेड डिस्प्ले और एक ड्यू ड्रॉप नॉच भी देखने को मिल जाता है। 401 की PPI डेंसिटी देखने को मिल जाती है और कोई भी हाई रिफ्रेश रेट हमें देखने को नहीं मिलता है। एमोलेड डिस्प्ले है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। इसके अलावा डिस्प्ले रेशियो की बात करूँ तो 83% की यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाती है। बिलीव मी काफ़ी ज़्यादा बड़े छीन रखी गई है और काफ़ी बड़ी बेजल्स है। इसके अलावा जो नॉच भी काफ़ी बड़ा रखा गया और ड्यू ड्रॉप नॉच जो कि काफ़ी ओल्ड हो चुका है और बिल्कुल भी मैं इसको पसंद नहीं करता। ओप्पो F21 Pro स्मार्ट की डिस्प्ले की बात करें तो इस स्मार्ट में देखने को मिलता है 6.43 इंच का एक फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला एक एमोलेड डिस्प्ले और साथ में देखने को मिलता है 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट, एक 5 वोल्ट कैमरा डिस्प्ले देखने को मिलता है और इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है और जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। 401 की PPI डेंसिटी भी हमें देखने को मिल जाती है। 85% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। अब बेसल यहाँ पर काफ़ी पतले हैं लेकिन जो चीन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जो कि बिल्कुल भी अनोइंग लगती है। अगर यहाँ पर हम कंपेयर करें दोनों डिस्प्ले की तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ओप्पो F21 Pro स्मार्ट का जो डिस्प्ले है उसको चूज़ करूँगा क्योंकि एक तो उसके जो बेजल है वो काफ़ी पतले रखे गए हैं, दूसरा उसमें एक यहाँ पर 5 वोल्ट कैमरा देखने को मिल जाता है और 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट भी है जो कि एक जदीद दौर के तकाजों को बिल्कुल भी पूरा करता है। तो डिस्प्ले के मामले में नो डाउट ओप्पो F21 Pro काफ़ी ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत है। परफॉर्मेंस की बात हो तो वीवो V23 स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है मीडियाटेक का ही G96 का प्रोसेसर जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस करता है। मालिका GPU देखने को मिल जाता है, 8GB की रैम, 128GB का इंटरनल स्टोर भी देखने को मिल जाता है और 5GB का वर्चुअल रैम देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड 12 के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है और फंटा चोएस 12 भी हमें देखने को मिल जाता है। ओप्पो F21 Pro स्मार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर जो प्रोसेसर देखने को है स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस करता है। एड्रीनो का GPU देखने को मिल जाता है, एड्रीनो 610 का, 8GB की रैम और 4GB के वर्चुअल रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्ट में UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है और ओप्पो F21 Pro में एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम और कलर OS 12 देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं प्रोसेसर और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो क्लियरली तौर पर वीवो V23 स्मार्टफोन विनर है क्योंकि G96 और स्नैपड्रैगन 680 का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, कोई भी मुकाबला नहीं है। G96 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर है। इसके अलावा 13GB की रैम और उसमें 12GB की रैम और बाकी जो स्टोरेज वो सेम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में और ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा वीवो V23 स्मार्टफोन को। कैमराज की बात किया तो दोनों स्मार्ट में रेयर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं जिसमें जो वीवो V23 उसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल के यहाँ पर मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। और फ्रंट की बात हो तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है ड्यू ड्रॉप नॉच में। ओप्पो F21 Pro स्मार्ट की कैमराज की बात हो तो रेयर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, एक मैक्रो सेंसर और एक डेप्थ सेंसर। और फ्रंट की बात हो तो लेफ्ट अलाइन 5 वोल्ट कैमरा में हमें
32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। कैमरास की बात हो तो ओप्पो और वीवो का जो कैमरा जो स्टाइल है जो यहाँ पर जो सेंटर है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, ब्यूटी मोड्स बहुत प्रोवाइड करते हैं और कैमराज अच्छे होते हैं, डिसेंट होते हैं। बट यहाँ पर ओप्पो के जो कैमरा उसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ओप्पो का जो सेल्फी कैमरा वो अच्छा हो, क्योंकि एक नया सेंसर है और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, सोनी का सेंसर है तो डेफिनेटली वो अच्छा हो। क्योंकि V23 स्मार्ट का जो कैमरा सेंसर है वो मैं यूज़ कर चुका हूँ और बहुत ज़्यादा बैड क्वालिटी थी, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था उस कैमरा से, सेल्फी से, और रियर भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ओप्पो F21 प्रो स्मार्ट का जो कैमरा होगा वो थोड़ा सा बेहतर होगा। बट यहाँ पर मायूसी वाली बात यह कि स्मार्टफोन में एक अल्ट्रा वाइड कैमरा में देखने को नहीं मिलता, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है। बहरहाल कैमराज में यहाँ पर मैं ओप्पो F21 प्रो को बहुत थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं इसको प्रेफर करूँगा। बैटरी के मामले में ओप्पो F21 प्रो में 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है और 30 वाट की फास्ट चार्ज, टाइप सी कनेक्टिविटी और सिंगल स्पीकर हमें देखने को मिल जाता है। V23 स्मार्टफोन में 4500 mAh की बैटरी, 44 वाट की फास्ट चार्ज, टाइप सी कनेक्टिविटी और 3.5 ऑडियो जैक नहीं मिलता। इसके अलावा वहाँ पर भी सिंगल ही स्पीकर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ पर प्रेफरेंस की बात करूँ तो मैं बैटरी तो F21 प्रो की बेहतर है बट वहाँ पर चार्जिंग V23e की बेहतर है, लेकिन उसमें 3.5 ऑडियो जैक भी नहीं है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। तो इस मामले में मैं प्रेफर करूँगा कि ओप्पो F21 प्रो मैं इसको प्रेफर करूँगा, क्योंकि उसमें चार्जिंग थोड़ी कम है लेकिन बैटरी एटलीस्ट बड़ी है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो और अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर अगर आप डिवाइस को डिज़ाइन, कैमरा और इसके अलावा डिस्प्ले के लिए प्रेफर करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए ओप्पो F21 प्रो है। बट अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए और आपको चाहिए एक यहाँ पर पावरफुल प्रोसेसर के साथ एक स्मार्टफोन और आपको डिज़ाइन भी थोड़ा बहुत वीवो का अच्छा लगता है, उसका कैमरा सिस्टम भी अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आप V23 स्मार्ट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दोनों स्मार्टफोन प्रेफर नहीं करूँगा, आप बाय कर सकते हैं रेडमी नोट 11 प्रो जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, उन दोनों स्मार्टफोन का बिल्कुल भूल जाइए, Redmi Note 11 Pro काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। बाकी आपको कौन सा स्मार्टफोन बेहतर लगता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अपना ख्याल रखिएगा।